चलो, मेरा काम पूरा हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, यूएफओ के क्रैश होने की खबर आई है। वैज्ञानिकों को इसमें एलियन होने के सबूत मिले हैं। एलियन की तलाश जारी है। अगर कोई भी एलियन की जानकारी पुलिस को देता है तो उसे 10 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। 10 लाख रुपए? यूएफओ गिरने वाले स्थान को पुलिस ने सील। अगर मुझे ये एलियन मिल गया तो मैं तो ना फटाफट से पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि 10 लाख रुपए मुझे मिल जाए। आशु, तू तो माला माल हो जाएगा। आइए इस बारे में संवाददाता से बात। मुझे ये एलियन मिल जाए, मजा ही आ जाएगा। फुटप्रिंट्स? कहीं फुटप्रिंट्स एलियन के तो नहीं? ये फुटप्रिंट्स मुझे डॉग के नहीं लग रहे। मुझे ना खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है। खुशी इसलिए हो रही है कि मुझे ना 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, और डर इसलिए लग रहा है कि ये एलियन डेंजरस हुआ तो। मम्मी ने बोला था कि अगर तू अकेला हुआ और एलियन तेरे आसपास हुआ ना तो तू वहां से भाग जाना। यहां पे तो कोई मुझे पुलिस वाला भी नहीं दिख रहा जो मुझे बचा सके। अरे 10 लाख रुपए क्या, करोड़ों कमा लूंगा अगर जिंदा रहा तो। यहां से निकलने में ही भलाई है। ऐसा लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। आशु बेटा, फ्रेश हो गए? हाँ मम्मी। लंच लगा रही हूँ, जल्दी आ जाओ। हाय। ये कौन है? एलियन 10 लाख रुपए? ये तो मेरे 10 लाख रुपए हैं। हाय, मायसेल्फ आशु। आशु विच लैंग्वेज? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। कम कम सिट 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 कम 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 आओ बैठो। हाँ, ये तुमने क्या किया? इसने मुझे हाथ लगाया। अगर मैं भी एलियन बन गया तो? आशु, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें छुआ ताकि मैं तुम्हारी भाषा समझ सकूं। तुम मेरी भाषा समझ सकते हो? बहुत अच्छे से। हम एलियंस की खासियत होती है कि हम किसी को भी छूकर उसकी भाषा बोल सकते हैं। लेकिन तुम मेरे घर तक पहुँचे कैसे? मेरा यूएफओ जिस ग्राउंड में क्रैश हुआ मैं उस रात वही झाड़ियों में छुपा रहा।
सुबह मैंने कुछ शरारती बच्चे देखे। उनको देखकर मैं डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन जब तुम आए तो मुझे तुम सच्चे और अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक आ गया। और जैसे ही तुमने दरवाजा खोला तो मैं फटाक से घर में घुस गया। इसको मैं अच्छा लगा, ये मुझ पे विश्वास करके मेरा पीछा करते हुए घर तक आ गया। मैं 10 लाख रुपए के लिए इसको धोखा नहीं दे सकता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम? ये क्या होता है? लगता है इसका कोई नाम नहीं है। तुम्हारा कोई नाम नहीं है ना, इसलिए मैं ना तुम्हें जादू बुलाऊंगा। क्योंकि तुमने मुझे छुआ और मेरी भाषा समझ गए ना, तो इसलिए तुम एक जादूगर हो। जादूगर? अरे वाह, जादू तो बड़ा अच्छा नाम है। क्या कर रहा है जग्गू? मैं ना 4 Habits से पैसे कमा रहा हूँ। ये क्या होता है? हम सब लोगों को इस कोरोना वायरस डिजास्टर के बारे में पता है और हम सब लोग घर पर हैं, तो पैसे कैसे कमाएं? तू ये सोच रहा होगा ना। हाँ। रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। आई मेक बैट ऑन 4 Habits, पर सारे स्पोर्ट्स अभी बंद हैं। लेकिन 4 Habits सिर्फ बैटिंग साइट नहीं, दे हैव अनदर वे टू मेक मनी। इसमें ना बहुत ही कमाल का कसिनो गेम है। आई विल शो यू हाउ टू प्ले। इस गेम का नाम है 777777 कैसीनो। इस गेम का ना बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। इट हैज अ लॉट ऑफ यूजफुल लाइन कॉम्बिनेशन। बार बार इससे जीत के मैं पैसे कमा सकता हूँ। इसका बहुत ही कमाल का पे आउट स्ट्रक्चर है। मैं जिस भी फॉर्म में चाहूँ ना पैसे निकाल सकता हूँ। तो है ना 4 Habits कमाल का? बहुत ही अच्छा। हाँ, और तू ना फटाफट से 4 Habits को ज्वाइन कर और घर बैठे बैठे माला माल हो जा। मुझे ना जादू के बारे में ना मम्मी से सीक्रेट रखना होगा। मैंने अगर मम्मी को बताया तो मम्मी किसी को मत बताना कह के अपने फ्रेंड्स को बता देगी, और मम्मी के फ्रेंड्स किसी को मत बताना कह के अपने फ्रेंड्स को बता देंगे, और वो किसी को मत बताना कह के पूरे शहर को बता देंगे। नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुझे ना जादू के बारे में ना सबसे सीक्रेट रखना पड़ेगा सिवाय जग्गू के। आशु, तुम ये क्या कर रहे हो? जादू, मुझे चश्मा है ना, इसकी वजह से ना मेरी आंखों से थोड़ी देर में पानी आता रहता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो जादू? अपना चश्मा तो निकाल के देखो। मुझे चश्मे के बिना बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये कैसे? आशु, ये तो मेरी एलियन पावर का कमाल है। थैंक यू जादू। You're welcome. मैं बिना चश्मे के भी देख सक रहा हूँ, वाह। लेकिन कल का टेस्ट ना बहुत डिफिकल्ट है और मैं पढ़ाई में बहुत वीक हूँ, पता नहीं कैसे याद होगा। जादू, तुमने तो कमाल कर दिया। आशु, आगे आगे देखो, होता है क्या? मुझे सब याद हो गया। थैंक यू जादू, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम आशु। आजा जग्गू, किसी से मिलवाने वाला हूँ तुझे। हाय आशु। आशु, तू मुझे किससे मिलवाने वाला है? वो तूने न्यूज़ सुनी है कि हमारे एरिया में एक UFO गिरा है? हाँ। वो एलियन भी आया है, तूने ये भी सुना होगा। हाँ सुना है। वो एलियन हमारे घर में है। झूठ, तेरे घर में वो कैसे आया? हाँ सच में वो एलियन हमारे घर में है। मिला जरा। रुक जा, अभी तुझे मिलवाता हूँ। जादू। हेलो जग्गू, कैसे हो? एलियन। अरे तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं करेगा, ये बहुत ही फ्रेंडली एलियन है। अरे कुछ नहीं करेगा ये। ये तेरे घर में कैसे आया? मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू प्रॉमिस कर तू इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। इसको ना पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, अगर ये गलत हाथों में लग गया ना तो ना जाने वो इसके साथ क्या करेंगे। प्लीज प्रॉमिस कर तू इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस नहीं बताऊंगा। चल खेलने चलते हैं। हाँ चलो। मैंने बहुत सारी धूप ले ली है, यानी कि विटामिन डी। अब मुझ में बहुत सारी एनर्जी आ गई है। हाँ, धूप से एनर्जी? हाँ, अब देखो जादू का जादू। अरे वाह,
जादू तुमने ये कैसे किया? अपनी एलियन पावर से। आशु मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है जादू। आज के लिए इतना ही काफी है, अब नीचे आ जाओ। यू आर द बेस्ट जादू, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। जादू मुझे ना तुम्हारे साथ रह के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आशु। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा यूएफओ धरती पे क्रैश कैसे हुआ? आशु मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेस में रेस लगा रहा था, मेरा यूएफओ डिसबैलेंस हुआ और वो अर्थ पे क्रैश हो गया। अगर तुम्हारा यूएफओ क्रैश हो गया है तो तुम वापस जाओगे कैसे? अपने यंत्र की मदद से, जो कि यूएफओ क्रैश होने की वजह से मुझसे गुम गया है। आशु उसका मिलना बहुत जरूरी है, उसी की मदद से मैं अपने फ्रेंड्स को सिग्नल पहुंचा पाऊंगा। आशु प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मुझे बताओ तुम्हारा यंत्र कैसे दिखता है, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे मम्मी की बैंगल है, मेरा यंत्र लगभग उसी की तरह दिखता है। प्लीज आशु उसे जल्द से जल्द ढूंढने में मेरी मदद करो। तो मैं ना उसे ढूंढना शुरू करता हूँ। थैंक यू आशु। यू वेलकम जादू। मैंने वो वाला एरिया भी पूरा देख लिया, एक बार यहाँ पे भी देख लेता हूँ। यहाँ पे भी नहीं है। जादू का जाना जरूरी है, पता नहीं उसका यंत्र कहाँ होगा। कितने दिनों से ढूंढ रहा हूं मैं, बस जल्दी मिल जाए। काश आज मिल जाए। हाँ, अरे ये तो कुछ और है। जादू मैं तुम्हारा यंत्र ढूंढने की कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं। आज मैं वापस से ढूंढने जा रहा हूँ। मम्मी ना कमरे में कभी भी आ जाती है तो इसलिए ना तुम छुप कर रहना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, बाय। ठीक है आशु। मम्मी कमरे में झाड़ू लगाने आ गई, अब मुझे छुप कर रहना होगा। पता नहीं आशु कब आएगा, मुझे डर लग रहा है। मम्मी ने मुझे देख लिया। मम्मी मम्मी आप ठीक तो हो ना? मम्मी अपनी आंखें खोलो। मम्मी मम्मी शुक्र है मम्मी को होश आ गया। मैंने किसी को देखा, मैंने पक्का किसी को देखा। देखा, मैंने कहा था ना इस घर में कोई है। ये अजीब सा दिखने वाला कौन है? मम्मी ये कुछ नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा है। मम्मी आपने न्यूज में सुना था ना कि एक एलियन धरती पे आ गया है? हा? ये वही है। और आप मुझे इतने दिनों से पूछ रहे हो ना कि मैं चश्मा क्यों नहीं पहन रहा। हा? और मैं पढ़ाई में अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया? ये सब जादू यानी इसकी वजह से हुआ है। मैं नहीं चाहता कि ये ना किसी के भी गलत हाथों में पड़ जाए। अगर किसी ने इसको पकड़ लिया ना, वो ना जाने इसके साथ क्या करेंगे, ये सोचकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी प्लीज हमें ना इसको अपने साथ घर पे रखना ही पड़ेगा और इसको इसके प्लैनेट में पहुंचाने के लिए इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। इसमें आप मेरा साथ दोगे ना मम्मी? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ हम इसकी थैंक यू मम्मी। सॉरी एलियन बेटा, मैं तुम्हें देखकर डर गया। पुलिस को एलियन मिलने के पुख्ता सबूत मिल गए हैं लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। एलियन मिलते ही वैज्ञानिक उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर देंगे। एलियन को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपनी फोर्स चारों तरफ लगा दी है, बस इंतजार है तो एलियन मिलने का। यूएफओ गिरने वाले स्थान के चप्पे चप्पे की पुलिस तलाशी कर रही। मम्मी अब क्या करें? बेटा तुम्हें जल्द से जल्द इसका यंत्र ढूंढना होगा,
ताकि ये सुरक्षित अपने प्लेनेट पहुंच जाए। इसका ज्यादा दिन यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हाँ मम्मी। हेलो, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। हमें जानकारी मिली है कि आपने अपने घर में एलियन छुपा कर रखा है। हमारे घर में है एलियन? जी हाँ, जग्गू नाम के लड़के और उसकी मम्मी ने हमें यह जानकारी दी है। क्या, जग्गू की मम्मी ने? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैडम, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। हमारी टीम 5 बजे तक आपके घर पहुँच जाएगी। जानकारी छुपाने पर आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आशु, जग्गू ने तो प्रॉमिस किया था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, तो उसने ऐसा क्यों किया? रुको जादू, मैं अभी उससे पूछता हूँ। हेलो आशु। जग्गू, तूने प्रॉमिस किया था ना कि तू जादू के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, तो तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तो सिर्फ मम्मी को बताया था और किसी को नहीं बताया। मम्मी को ना 10 लाख का लालच आ गया और उन्होंने ना पुलिस को बता दिया। बेटा, जल्दी से इसका यंत्र ढूंढो। हाँ मम्मी। जादू, तुम याद करो, तुम्हारा UFO जब क्रैश हुआ था तो तुम कहाँ कहाँ गए थे? आशु, मैं गार्डन के हर कोने में गया था, लेकिन जहाँ से मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया था वहीं पर मैं आखिरी बार छुपा था। देखो प्लीज। मम्मी, मैं जा रहा हूँ और मैं उस वाली जगह पर इसका यंत्र ढूंढ कर आता हूँ। आप तब तक जादू का ख्याल रखना, ठीक है मम्मी? मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। लगता है यही जादू का यंत्र है। जादू, अब जल्दी से तुम इस यंत्र का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को बुला लो ताकि तुम यहाँ से जा सको। वो तुम्हें पकड़ने के लिए कभी भी आ सकते हैं। ठीक है आशु। जादू, तुम मुझसे वापिस मिलने कब आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी आशु। मेरा इस यंत्र का काम पूरा हो चुका है। अब ये यंत्र मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ ताकि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम मुझे इस यंत्र की मदद से बुला सको। बाय जादू। बाय आशु। अपना और घर में सबका ख्याल रखना। थैंक गॉड कि मुझे सही टाइम पर यह यंत्र मिल गया और जादू अपने प्लेनेट पहुंच गया। जब पुलिस घर पे आई तब तक जादू जा चुका था। इस बात को लेकर जग्गू और उसकी मम्मी को बहुत डांट पड़ी कि उन्होंने पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस का टाइम भी वेस्ट किया। जादू तो चला गया, साथ में उसका मैजिक भी चला गया और अब मुझे वापिस से ये चश्मा पहनना पड़ेगा। अब मुझे जब भी जादू की याद आएगी तो मैं इस यंत्र की मदद से उससे मिल पाऊंगा। आई मिस यू जादू। हाय गाइस, इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स थे क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो फटाफट से मोहकमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें कौन से न्यू टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन भी दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहन।